मौसम जी बड़ा ठंडा है, कमाल मौसम है, हवा चल रही है, तंदूर जल रहा है, गप शप लगी हुई है, महफिल भी चल रही है, महफिल जारी है, व्लॉग भी बन रहे हैं। समिया व्हील चेयर पर बैठी है, टोटली फैमिली उधर है। कौसा जो है ना वो तंदूर चला रही है और वो मैं हवा चेक कर रहा हूँ, ये देखे ना वो सारे पत्ते हिल रहे हैं। वो कहते हैं ना ये जो सिले सिले आंदी है हवा, कितने कोई रोंदा होगा। हाँ और भी कहते हैं, वो कहते हैं ये हवा भी दोस्त मेरे बन गई है। ये बड़ी प्यारी हवा चल रही है, शाम के वक्त में मौसम अच्छा बन जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। दिन को जो है हमको सुकून नहीं आता, बाहर जाना बैठना नहीं आता, आपको पता है दिन को इतनी गर्मी होती है, फर्स्ट टाइम जाना अंदर पंखे पे बैठना फिर भी पसीना बह रहा होता है पूरे जिस्म से। तो दूसरे टाइम सेकंड टाइम जाना अल्हम्दुलिल्लाह मौसम ठंडा हो जाता है। रात को जो गर्मी होती है ना वो तो पूछे ही ना, रात भर हवा नहीं चलती और पसीना जाना। ये हवा भी दोस्त मेरी बन गई है, ओला कड़िया नाल जदों बरसात हुई। नहीं नहीं कमज़ोर ना हो, ये गर्मियों की वजह से ना, एक तो नींद पूरी नहीं होती, बेबी नहीं सोता गर्मी में, दूसरा गर्मियों में वैसे खून सड़ जाता है। इंशाल्लाह दोबारा से सर्दियां लौटेंगी, वही रौन के दोबारा बहाल हो जाएंगी और हम ना वला मोटे हो जाएंगे, खाए पियेंगे, क्योंकि गर्मियों वाले फ्रूट हमें खून नहीं दे रहे, सर्दियों वाले फ्रूट जो है ना वो ताकत देंगे, हमारा रंग जो है ना वो गोरा हो जाएगा, कौसर फिर मुझे पसंद करने लगेगी और चिट्टे हो जाएंगे, इसलिए मैं बाहर आना जो है ना मेरा ज़्यादा होगा सर्दियों में। अभी मैं गर्मियों की वजह से बाहर आना जाना नहीं रखता, तो इंशाल्लाह सर्दियों में बाहर जाऊँगा ना गोरा चिट्टा होके, फिर अच्छा लगेगा। अभी गर्मियों से ना बस कोई हाल नहीं है, ना पूछे वो लग ना जाए, ऐसे उल्टे सीधे हरकतें करते रहते हो। क्या वो इन्हें नहीं जाल सकती वड़ी? चलो अंदर जाती हूँ। क्या क्या चाहने? चार पाया निकालने। निकाल दो सबको, एक दिन हमें भी निकाल देना, ये तो काम है आपका। फैमिली जो अल्हम्दुलिल्लाह फ्री हो चुकी है, तो मैंने सोचा बातचीत कर लूँ, क्योंकि फरमान भाई जो भी ब्लॉग बना रहे थे अभी फ्री हुए हैं, तो सोचा मैं भी, क्योंकि जब मेरी बारी आती है तो सब एक एक करके ना अपने अपने कामों में चले जाते हैं। अभी मैंने मुश्किल से ना रोका है, मैंने कहा आसरा करें, मैं भी कोई नया हाल हवाल शेयर कर लूँ सब बहन भाइयों से, दोस्तों बिलाओं से। क्या वक्त तेरा नया हाल है? ये हालात ज़िंदगी है ना, ये चलते रहते हैं हाल हवाल। ज्यादा ठंडा नहीं है, एक बोतल वो फोटो ऐसी रखी है, ये जो हमने बाहर ध्यान बाद रखते। क्या है? वो बोतल बाहर रख देते। मुझसे पूछो ना, सुबह वो हम रखते थे दूध कमंडले में, वो खट्टा हो जाता था, सुबह हमने रखा वो बड़े डोलों में, वो फ्रीजर में आता नहीं था, मैंने जाले निकाल ली तो ये दो बोतलें बाहर रख दी। ये तो बिल्कुल गर्म है, तो फिर बाद में वो ख़त्म हुई तो ये मैंने बाद में फ्रिज में रखी, अभी ये गर्म होंगे। उधर वाला ठंडा है, उसमें अभी दो घंटे पहले बर्फ़ डाली है। ऐसे कोई मशहूरे कोई हालात हवा जिन्हें होते हैं वो तो शेयर करने हैं ना सबसे। सही है, कर लो शेयर। वो देखो सो जा बच्चे, यही काम करता अभी यहाँ के बांध कर रहा था, सोया हुआ था, मेरी आवाज़ सुनी। आप जो ऊपर खड़े हैं लोड मार के, तो किया क्यों ऐसे सार नीचे करके बैठी हो? नहीं, मैं सार के हमको दे रही हूँ।
अच्छा हाँ देखने की कोई फीस नहीं है, देखो देखो। चलो जी माशाल्लाह चलते हैं अम्मी अबू के पास, तो जो भी वो बोलेंगे हम सुनेंगे, सबको पता भी चल जाएगा। हमारे पास बोलने के लिए पूछने के लिए सवालात जो है ना ख़त्म हो गए। अब मैं जब सवालात करता हूँ एक ही बार करता हूँ पूरी वीडियो, अब ख़त्म हो गए। अब वो शादी वाले हाल वाल भी मैंने ले लिए, आना जाना संग मेरा ज़रा ख़राब कर रहा है आज आवाज़ को। जब आप कुछ पूछोगे नहीं तो हम बताएंगे क्या? आप आज अपने तरफ से कोशिश करें कि कोई बात अगर छुपाई है तो राज जो है ना वो भी बता दें आज। अच्छा। सारे राज खोल दें अम्मी। मेरे पास कुछ नहीं है अम्मी। अम्मी बाप अगर एक बात पूछ लेता है तो फिर फौरन कोई जवाब देना होता है। आजकल हमारे बुढ़ापे के जहन है, वो जहन नहीं रहे कि हम बस रेडियो की तरह चलते रहें। जो सवाल पूछते हैं वो उसका जवाब हम जहन में लाते हैं, अभी क्या करना है, क्या बात है, क्या जवाब देना है। ऐसे नहीं है कि हम बोलते रहें आप बस सुनते रहें। क्या ऐसे बोलते हैं? ये ऐसे तो नहीं हो सकता ना, जैसे आप बोल रहे हैं सही बात है। आप वो पूछें हमसे कि बहन भाई ये चीज़ मालूम करना चाहते हैं, बहन भाई ये चीज़ देखना चाहते हैं, ये चीज़ सुनना चाहते हैं, कोई कव्वाली सुनना चाहते हैं, कोई दोड़ा सुनना चाहते हैं, कोई नात सुनना चाहते हैं, वो सब कुछ आपकी अम्मी कर लेती है। अम्मी तो ना बोलिया, जो मशवरा दे रहा है वो खुद सब कुछ कर लेता है। आज सुना कुछ पता चले बहन भाई ऐसे गाते हैं लेकिन वीडियो में शर्म करते हैं। कौन सा शर्म, कोई नहीं है। मेरे आवाज कभी सुनी है? नहीं, मैं छुप छुप के आधा बस कभी सामने नहीं, कुछ शादी हो खुशी हो कभी सामने नहीं कुछ करा बस। चलो राजनामा तो हो गया माशाल्लाह से, खुशी माहौल वापस आ गया। उसके बाद मैं ये जानना चाहता था कि एक सिस्टर पूछ रहे थे कि झगड़ा हुआ किस बात पे था, वो तो हमें बताएं। उन्होंने देखा नहीं है। एक बंदा था वो सारी रात किस्सा सुनता रहा हीर रांझे का, हीर रांझे का किस्सा सुनता रहा। जब सुबह खत्म हो गया ना किस्सा, थोड़ा तो फिर पूछता है कि हीर औरत थी या मर्द था। चार पांच वीडियो डाली हैं, शुरू में देखें, पहली वीडियो देखें किस बात पे गुस्सा हुए हैं, किस बात पे लड़ाई हुई है, किस बात का झगड़ा था, फिर कैसे मनेवे हुए, कैसे सब कुछ चला। अगर फिर भी नहीं देख पाती उनको टाइम नहीं मिलता तो हम बता देते हैं कि रोला यही था, शादी आ गई थी इसके भांजे की, मेरा भी भतीजा हो गया, तो इसने अचानक से कह दिया कि मैंने शॉपिंग करनी है, मैंने वो फलां चीज़ लेनी है, मैंने शादी पे जाना है। मैंने कहा ठीक है चले जाना, फिर मूड बना कर बैठ गई, मुझे फिर गुस्सा आ गया, ऐसे बात बढ़ती गई। मैं भी पहले से परेशान था, किसी बंदे के पैसे देने थे वो पहले आके मुझे वो तंग करते गया, इसी वजह से फिर हमारी लड़ाई शुरू हो गई। वो अलहदा फूक की रही, मैं अलहदा फूक कर रहा। हाँ खाना पीना भी छूट गया था। चलो आप तो वो क्या कहते हैं ना, आपका काम है सोचना कि वो कितने सैलरी दूंगा, 5 लाख आएगा कहाँ से, ये वही बात है। वो एक बंदे ने कहा कि आप मेरे पास नौकर खड़े हो जाओ, कुछ भी नहीं करना है, बस कुर्सी पर बैठना है। सैलरी कितनी है? सैलरी 1 लाख रुपये दूँगा। चलो भी ठीक है, वो बैठ गया। उसने कहा कि करना क्या है मुझे बताओ, बैठ के कुर्सी पे बैठ के सोचना है। तो क्या सोचना है? ये सोचना है कि ये सैलरी आएगी कहाँ से, 1 लाख कहाँ से, 1 लाख कहाँ से, जो काम भी कोई बस कोई काम नहीं करना, कुर्सी पे बैठ के सोचना है 1 लाख कहाँ से आएगा। बस वो पूरा महीना सोचे वो लाख आ जाएगा, ना ही उसकी सोच पहुँचेगी ना ही वो आएगा। ना उस सोच में लाख आएगा ना उसको मिलेगा। अच्छा मैं तो जा रहा हूँ वो पानी देने, काम कर रहे हैं इधर काम कर रहे। यार वो जानवरों के लिए ना वाड़ा बनाना है उसने, आपके चाचू ने, वो काट रहा है, वो उसको कहते हैं, हम तो कहते हैं बामलियाँ। अच्छा अच्छा, किकरियाँ होती हैं, उनके छापे मार के वो वाड़े के ऊपर रखते हैं।
तो वो काट रहे हैं उधर, कामरान भी उधर है, तो उन्होंने फ़ोन किया है कि हमें प्यास लगी है पानी देने। अच्छा, पानी देने आगे आप जानो, अम्मी जाने चले दे आए, वैसे आप ना जाना चाहे तो आसिफ को भेज दें। नहीं मैंने खुद जाना है, कपड़े से तंगी लगाते रहेंगे। चलो कुछ टाइम पास हो जाएगा, टाइम पास हो जाएगा, बस हमने जो हाल हवा लेना थे। जान जल्दी छोड़ देना, इसने काम भी करने हैं। हेलो मैं क्यों जान लूंगा, मैं क्यों जान लूंगा किसी की। नहीं नहीं जान नहीं लूंगा, जो बातचीत करनी है जल्दी कर लो, फिर मैं पानी पिलाना है जानवरों को। ये बात और कोई बात। अच्छा बात यह है कि अभी तो आप खुश हैं, शादी की तैयारियां भी शुरू कर दे, मेकअप भी हो रहे हैं, संदूक भी बांध ले, रक्षा रेडी खड़ा है, रक्षा तैयार करे। वाह जी वाह। अच्छा पहले उधर जाएंगे, वो आपके अब्बू का हमारे नाना जान के आँखों का ऑपरेशन हुआ है जी। अच्छा मुझे ये प्लान समझाए, क्या प्लान है जाने आने की। वो क्या होता है, वही पूछ रहा हूँ, कैसे जाएंगे। ना प्लान क्या, अब तो गए नहीं जाएंगे, फिर वापस ये पूछ रहे हैं जो कब जाएंगे, कब वापस आएंगे। नहीं वो भी जाना ना पूछना है, लेकिन ये पूछना है असल बात के पहले कहाँ जाएंगे, इधर की शादी पे। नहीं पहले उधर जाएंगे, तुम्हारे नानू के पास जाएंगे। अच्छा नाना जान के घर जाएंगे, उनका हाल हवाल पूछ के उधर से डायरेक्ट जो है ना आप शादी पे चले जाएंगे, वापसी इधर नहीं आएंगे, शादी भुगता के फिर वापस आएंगे। एक दवाई तो किराया भर के उधर जाएं, फिर उधर उधर जाएं, घर आके फिर बड़ा डबल किराया लग जाएगा। आगे तो यही मसला है, ये तो लड़ाई है। हाँ ये बाइक पे जाएंगे। हाँ बाइक पे जाएंगे, और इस्तियाना मैं तुम्हारे अबू और कमरान ने जाना है, उसे जब वो कहे ना उसे बस पे भेज देना। बस पे वो आ जाएगा, तो रक्षा पे बैठेगा, भावलपुर, भावलपुर में बैठेगा, अलीपुर, अलीपुर में बैठेगा जतोई, फिर बोले कॉल करके परको ले जाएगा। नहीं वो उसको बस पे बिठाना पड़ेगा भावलपुर से, उसे पता नहीं चलेगा कि किस बस पे बैठे। बस वाला नौजवान है, पता चल जाएगा, हर बार तो आते जाते हैं ना, पता है जो कह रहे अड्डे पे जाके बैठना होता है। अल्लाह पाक करम करे। एपीवी वाले ना वो बाना एपीवी जो होता है, एक बजे के टाइम से 11 बजे 12 बजे जाता है वो, 11-12 बजे वो एक एपीवी के अंदर में फरमान दे साथ होता है, लेकिन वो कमरान जानता है, फिर वो एपीवी के बाद वो आएगा थोड़ा। चलो ठीक ठीक है। हाँ हम कल जा रहे हैं उधर, जो कल हमारे फैन आया था ना मिलने, फैन थे वो हमारे जी जी सही है, तो अभी उन्होंने बोला है बस हमारे घर चक्कर लगाओ, हमारे घर चक्कर हम ना ठीक है आ जाओ, फिर हम 5-4 दिन लग जाएंगे वहाँ, फिर जब आएंगे तो। हमारे जो प्लान थे मैंने अभी अभी अबू से जिक्र किया है, फरमान भाई की वीडियो में मैंने बताया कि वो जो हमारे फैन थे कल आए थे, हमने उधर जाना है कल, फर्स्ट टाइम जाना है, तो शाम को वापस आ जाना है, वो करीबी घर है, तो उनकी खुशी जो है ना हम रद्द नहीं करते, उनकी खुशी है कि वो हमें बुला रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं कि हमारी दावत खा जाओ, तो इसलिए हमें ना कल जाना है इंशाल्लाह, तो उसके बाद परसों आप चले जाना। ठीक है, आपका भी सोचा है, हमने अपना भी सोचा है। सही गाल है, कल का दिन है, आप घूमो फिरो जहाँ भी जाना है ओके आ जाओ, फिर परसों हमारी तैयारी। उसके बाद जब वो शादी कम्प्लीट हो जाएगी ना आपके भांजे की, उसके बाद ये शादी भी स्टार्ट हो जाएगी। हाँ ये शादी भी करीब आ जाएगी, फिर उन्हें वापस जल्दी आएंगे तो फिर अपने घर के तैयारी करेंगे। हमारे पुप्पो की शादी की तैयारियाँ शुरू होने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खुशियाँ जो है ना फिर से बरकरार हो जाएंगी, एक बार पहले वाला माहौल बन जाएगा, शादियाँ बारात ढोल के हमारे घर में होंगे। लेकिन वो पुप्पो आए क्यों नहीं, आएगी और ना पहले पाएगा क्या हो रही है, आज कितने से कल पहले से। हाँ कल तुम्हारे चाचू के वहाँ पहुँचाएंगे, आ जाएंगे। अच्छा वाला तो के रुख सकते के जाएगी 12-15 को। हाँ 15 चलो माशाल्लाह। ओ इधर वो पहले को बोला है, इधर वो उनके बच्चे साथ वो भी इधर आ जाएंगे, तैयारी शुरू करेंगे, हम भी उधर वापस आ जाएंगे। चलो वो आ जाएंगे, कुछ सहूलत हो जाएगी, दुल्हन से नाम काम करवा लेंगे इधर। हाँ, सही बात, आप चले जाएंगे ना तो वो आपका काम करेगी।
हाँ वो पैरोल घर चले जाएंगे। रिजवाना भी आए, तुम्हारी फूफा भी आए, सब मिलकर। ये तो मौका है, वो तो फिर चले जाएंगे। हम तो अपना काम ले लें। सही बात है, माशाल्लाह भी काम कर ले। ना अपने बोला इसकी जान छोड़ देना वाला। पानी पिला रहे हैं जी, जैसे कि मैंने अभी अभी वेला किया ना, तो सीधे हमें जाने दर काम करने आगे। हाँ जी, मैं तो बता रही थी मैं कि जल्दी बातचीत खत्म करें तो फिर मैं जानवर को पानी पिलाना है। तो अभी मैं पिला रही हूँ, अभी तो दो तीन को पिलाया है, बाकी सब खड़े हैं, ये छोटे वाले भी खड़े हैं। सबको पिलाऊंगी और घास भी डालूंगी, जैसे और गाय भी वापस आ जाएगी तो फिर उनको दूध से निकालूंगी। तो ये आज अकेले अकेले अबू तो उधर चले गए। हाँ उधर गए पानी देने। वाल नहीं चलाया? चला हुआ, अब देखे पानी नहीं नजर आ रहा। पानी निकल तो नहीं रहा उसमें से? नहीं नहीं पानी चल रहा है, देखें। सेना इधर आओ, पैप को उठाओ ऊपर। पता नहीं मैं हाउडी में पानी खत्म हो गया। वो अगर होता तो ऊपर बुलबुले निकलते। टैंकी में। हाँ इसको ऊपर करो। हाँ सेना पैप को देखो चल रहा है। ये क्या, अभी ये तो चल रहा है। चलो चलो सेना रख दो अंदर। ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल खामोश, चल भी ना रहा। इससे है ना काम करवा रही हो, पानी पिलवा रही हो, क्या बना रहे हैं? हाँ ये थोड़ा है पानी। आज क्या बना रहे हैं सियाना? क्या मुझे नहीं समझ आई, हमें क्या बना रहे हैं? मुझे पता होता तो मैं बता देता। क्या बना रहे हैं? साला। हाँ भिंडियाँ। अच्छा भिंडियाँ क्या बना रहे हैं? मुँह से निकालो कपड़ा। पप्पा भिंडियाँ मजे की, आपको भी पसंद है? कितनी रोटियाँ खाओगे? अमीर सियाना के ऊपर सारे कबीले हैं। हाय हाय सियाना इधर आ जाओ। क्यों बैठ गए कबीले? ओ सारे कबीले, ओ अमीर उसके माथे पे मुँह पे सारी हो देखे। ओ जाओ जाओ अमीर के पास, जाओ 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 जाओ। ओ बहुत सारे ऊपर, बहुत सारे कबीले हैं, सारे ऊपर चढ़े हुए हैं। वो देखो बाजू के ऊपर, ये देखो ये कबीलों के ऊपर बैठ गए, वो सारे ऊपर चढ़ गए, इसको खाएंगे। चोटियाँ चोटियाँ सारियाँ चढ़ गई। अब चक पाएंगे सारे चक। वो बाजू पे, वो बाजू पे चल रही है ये रख के साथ। ये लो इसको पहन लो, अब चले गए सब चले गए। चलो अब जब चक पाए तो फिर बताना, वो पकड़ लेंगे। बहुत सारी उधर ना बैठो ऐसे है ना, ठीक है? ये मैं दिखा दो जरा, ये चक्कर है ना, ये सारे लाइन में ना ये चोटियां जा रही है, ये पर चढ़ गए सारे ऊपर। ये देखे यहाँ ऐसे ना आके बैठ गए। ये बड़े खतरनाक होते हैं जब चक पाते हैं ना। आज तो नजर भी नहीं आई मेरे वीडियो में, काम कर रही थी। अच्छा वो बंद कर दे, तैयारी कर ले, मेकअप कर ले, सही है। हाँ जी बिस्तरे बोरे भी बांध ले। हाँ जी सुबह हमने घर छोड़ के चले जाना है। नहीं हम वापस आ जाएंगे, घर को छोड़ना है ना फिलहाल। छोड़ना तो है। हाँ फिर जब वापस आए तो। हाँ ये तो है, साकिब का तो एक सूट लेके जाएंगे ना, और तो कुछ नहीं। मैं तो कहती हूँ साकिब को लेके जाएंगे। वो शायद इसलिए बुला रहे हैं साकिब के लिए। वो देखा था अभी जो भाई सही थी, वो कैसे बोल रही थी, बोलती है भाई मुझे बात तो बताओ कब आओगे। इसने बोला अभी वेट करो। कभी उसके शोर की वॉइस आ जाती है, कभी उसकी आ जाती है। ओ भले मोहब्बती लोग हैं, प्यार मोहब्बत देते हैं इस वजह से। मम्मी ने देखा है ना, वो इधर आई थी, वो जब हम आपस में मैच लगाते हैं तो उधर भी बहुत सारी ऐसे मजाकें करती रहती है। उनकी ख्वाहिश थी कि वो मेरे घर आए कौशर, हमने जैद पकड़े के पहले आप आओ। अब वो होके गई है, अब वो रुकते नहीं है कि आप आओ बस आओ। चलो ठीक है फिर आगे ना
हमने यही सोचा था, हमने कहा कि ये देखे ना, हमने ये बोला था कि अभी उधर अम्मी जाएगी, वो नाना जान की ऑपरेशन हुआ है ना, उधर जाएगी अम्मी, और उसके बाद जुम्मे वाला दिन मतलब उधर चले जाएगी, उसके बाद उधर शादी पे चले जाएगी, जब उधर से शादी से वापस आएगी ना, ऊपर से ये अपने खाला की शादी भी आ जाएगी ना, इधर से प्यार यहाँ और शॉपिंग करना इधर इधर, मतलब जब अपने घर में शादी होती है ना तो आप सबको पता है बहुत सारे काम होते हैं, तो मतलब खाला की शादी के बाद फिर और भी मसले बन जाते, फिर वो भी ऐसे जल्दी की हुई है, तो इसलिए हमने बोला है कि हम ऐसा करते हैं, आज का मतलब प्लान बनाया हुआ था हमने, लेकिन आज हमारा नहीं बना, तो इंशाल्लाह सुबह जाएंगे, सबन भी दुआ करें कि हम खैर से पहुंच जाएं और खैर से वापस आ जाएं, और उधर मतलब कुछ अच्छा सा व्लॉग भी बन जाएगा, और फैन भी कहते हैं कि आप तीन चैनल हैं आप लोगों के, एक ही रूटीन दिखाते हो तीनों चैनल पे, हम कौन सा चैनल देखें, फिर आप एक ही चैनल पे कहते हो कि हमारा चैनल नहीं देखते, हमारी वीडियो नहीं देखते, हम कौन सा देखें, बहन भी यही सोचते होंगे कि इंशाल्लाह हम कुछ अच्छा सा माहौल दिखाएंगे, और शायद तो उधर जब अबू भी साथ होंगे ना, थोड़ा सा क्लिप मतलब अम्मी का बना के फिर फरमान भाई के पास डालें, कुछ मतलब माहौल बन जाएगा, जो जिसको पसंद करता है उन्हीं का चैनल वाच करता है, अम्मी अबू के पसंद ज़्यादा है जी। उनका चैनल लोग काफ़ी देखते हैं जी। और हमारा जो है ना नाम पहले चढ़ा हुआ था, अब नीचे आ गया, अब हम घिर चुके हैं, कुछ हमारी पसंद अब कम हो गई, तो जो हमें पसंद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जितने भी व्यूअर हैं हमारे वो मुसलसल हमारे देखते हैं, गवर्नमेंट सरकार जो है ना वो तो चेंज होती रहती है, बाकी क्या कह रहा था, हाँ मैं सोना हूँ और मैं अच्छी बातें करता हूँ, इसलिए तो उनको पसंद हूँ और वो वीडियो देखते हैं। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको पसंद करते हैं उनका चैनल देखते हैं, जो हमारे व्यूअर हैं देखने वाले वो हमें पसंद करते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं, जो मतलब जो वो सब फरमान को पसंद करते हैं वो उनके चैनल देखते हैं, जो अम्मी का चैनल है जो अम्मी को और अबू को पसंद करते हैं वो उधर देख लेते हैं, जो जहाँ सब लोगों ने आजकल तो चैनल बनाया हुआ है, मतलब न्यू यूट्यूबर भी बहुत सारे आ रहे हैं, चप्पे चप्पे पे चैनल है। हाँ जी, अब ये देखे ना काफ़ी मतलब हमारे पास कॉल आती है कि हम यूट्यूब में मतलब वीडियो बनाना चाहते हैं आप लोगों के साथ, कहाँ रहते हैं आप लोग, हम कहते हैं कि हम उधर रहते हैं जहाँ आप पहुँच नहीं सकते हम उधर रहते हैं। अभी तो ला रहे थे मेरे साथ आप फ्री हो के आ गई। हाँ जी, ऐसे ना किया करो, मैंने बोला एक दो मिनट वीडियो बनवाओ, नहीं मैं बिजी हूँ, मैंने सारे काम निपटाने हैं, एक मिनट भी नहीं गुजरा, ये आ गई इधर। हाँ कर लिया है, ऐसे लड़ने का मूड होता है इसका, कितने टिकटॉक वाली वीडियो बना रहे थे ना, तो मैंने कहा कि जल्दी बनाओ फिर अंधेरा हो जाता है, फिर काम नहीं होता। भाला टिकटॉक को मैंने दूसरी बोला था वीडियो, यूट्यूब वाली, YouTube वाली कब? वाला वाला TikTok को चैनल बनवाई है, कुआ ढेर है। वो तो मैंने बनवा लिया, फिर मैंने बोला कि आप उधर से भी ब्लॉग बना रहे थे, फिर वो अजीब सी आवाज आ रही थी उधर की भी, उधर से मैं क्या कराऊं, मैंने बोला कि मैं चलती हूँ चार पाया निकालती हूँ, फिर जब फ्री हो जाऊंगी तो फिर बात करूंगी, अभी फ्री होके आ गई और अभी अभी जाती हूँ, वो चार पाया निकाल ली है, रोटी बना ली, मैंने खाई, इधर कुछ क्लिप बनवा लूँ फिर जाऊँगी, वो अभी बिस्तर निकालने हैं, सवेरे वीडियो नाम बनवाया था, देखिए तमाशा। आप सुबह वाले अभी भी लोग बनाया करो ना, दो टाइम बनाया करो, मतलब आप देखना सुबह उधर जाएंगे ना तो सुबह से शुरू करना व्लॉग बनाना।